और लेट नहीं आशीर्वाद लेना आज तुम्हारा कल से तुम्हारा स्कूल जाएगा, कल से जाओगे। ये नहीं कि दिन भर तुम राजनीति जो कर रहा है ये तुम्हारा लिए बेहतर भविष्य नहीं है। मंत्री जी तुम्हें आज्ञा ना दे, एक्शन लीजिए आप, एक्शन लीजिए। क्या क्या है आपके पास, क्यों आए? एक्शन नहीं ले, रखिएगा बच्चा को अभी तक का, और इसके हिसाब और पाँच को रखिएगा। चलिए तो उम्मीद है कि इतना जो भी आए तुमको एडमिशन करवा देंगे। उम्मीद तो है ही, उम्मीद हम रखे हैं। आप देखिए तुम हड़बड़ाओ कुछ नहीं, तुम्हारा स्थिर हो जाओ, तुम्हारा भविष्य तुमसे अच्छा कोई नहीं सोच सकता है। तुम खुद को आके कि हम क्या चीज हैं, ये चीज समझता है कि नहीं? तुम परेशान है तीन चार दिन से बहुत ज्यादा, किस बात को लेकर के तुम परेशान है सबसे पहले बताओ। और मेरा तो कहना ही है कि सबसे पहले इतना छोटा लेवल से उठा हुआ बच्चा अचानक हाई फाई में चल जाएगा ना, असर कर जाएगा। आप एक ही बार 50 डिग्री के धूप से 16 डिग्री के एसी में चल जाइए, पता चल जाएगा क्या अंतर हो जाएगा। एक स्टेप होता है किसी चीज का, अचानक कोई बात नहीं हो जाता है। इसमें विकास की कोई बात नहीं, हम जानते हैं कि मोदी जी इसको पूरा दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल में रखवा देंगे, लेकिन फायदा नहीं करेगा, उससे नहीं होगा, चल जाएगा। इसको वही इंजेक्शन चाहिए जो इसका एज के लिए जरूरी है, बूढ़ा वाला इंजेक्शन इसको नहीं चलेगा। हाँ, इसकी माँ को भी सुधार कर, घर भी ध्यान दे रहे हैं। आप सुशील मोदी जी है, मुखिया जी को बुलाते, इंदिरा आवास क्यों नहीं मिल रहा है? वीडियो साहब को बुल पाते अगर तुम जहाँ रहना चाहता है वहाँ उत्तम व्यवस्था हर चीज का। हम भी माननीय मुख्यमंत्री जब सब लिखेगा, मुखिया जी भी रहेंगे, सरपंच जी भी रहेंगे, सबके सामने में देना उनको अभी ट्रेस नहीं है कि बच्चा क्या क्या है। ये आप क्या नहीं सोच रहे हैं? ये मीडिया में आ गया कि सब मीडिया का काम है, ये चल। अच्छा आप लोग क्या लगता है कि नेताजी लेकर के जाएंगे तो ये अपना संरक्षण में रखेंगे? ले जाओ, पैसा दे देंगे, जैसे रहेगा रहेगा। तो खुद का इसके दम पर बता देते हैं तो बच्चा नहीं जाएगा, बच्चा उसको नहीं जाएगा। बोला कि हम उसी के साथ जाएंगे जो एग्रीमेंट करेगा। अभी हम तो 5 रोज से यही सुन रहे हैं। आप 5 रोज से सुन रहे हैं, 5 रोज आओ चलेगा, ऐसा नहीं है 5 रोज आओ चलेगा। नहीं 10 दिन तो नहीं चलेगा, सबका अपना अपना टीआरपी हुआ। दस दिन नहीं चलने देंगे। एक्शन लीजिए आप, एक्शन लीजिए। क्या क्या है आपके पास, क्यों आए? एक्शन नहीं ले, रखिएगा बच्चा को अभी तक का, और इसके हिसाब और पाँच को रखिएगा। चलिए तो माथा पेची क्यों बच्चा को करवा रहे हैं? क्योंकि हम जहाँ तक समझते हैं तुम एक बच्चा है, तुम्हारे गार्जियन जो भी सोच सकते हैं तुम नहीं सोच पाएगा। और क्या पक्ष विपक्ष और क्या तुम्हारा जेडीयू क्या तुम्हारा आरजेडी करेगा उससे तुमको कोई मतलब नहीं है। तुमको अपना भविष्य का लक्ष्य देखना है कि हमको जाना कहाँ है, वहाँ तक हमको कौन पहुँचा रहा है? पहुँचा तो रही है सब। कहाँ पहुँचा रहा है? पूरे बिहार की जनता पहुँचा रही है। कहाँ तुमको अभी तक कोई पहुँचाया है? तुम तो यहीं पे बैठा हुआ है, कोई एक्शन लिया है तुम्हारे प्रति? जनता नहीं चाहती। हाँ तो कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल एडमिशन कहीं हुआ? एडमिशन करने की बात है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी जो है उनको छुट्टी नहीं मिल रहा है, डीडी सी साहब को छुट्टी मिल रहा है। ये तुम कैसे जान रहा है? कैसे तुम जान रहा है कि डीडी साहब को छुट्टी नहीं मिल रहा है? जैसे दोनों का समय भी नहीं मिल रहा है जी। समय नहीं मिल रहा है और वो आश्वासन दिया कि एडमिशन होगा, तो एडमिशन होगा तो सबसे ज़्यादा हमको हेल्प जो है मीडिया वाले कर रहे हैं। मीडिया वाले कर रहे हैं तो उनसे हम जो है उनको धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि जब वो नहीं चाहते तो नहीं हो पाता था, नहीं हो पाता इतना वायरल। तो वो अगर चाह रहे हैं, अभी मैंने वो बुलाए हैं कि किसी चीज़ में एडमिशन, लेकिन हमको चाहिए सैनिक में थोड़ा सा अगर हेल्प करते हैं माननीय देश के प्रधानमंत्री जी, तो हम इस बात को स्वीकार करें कि हमारे सैनिक स्कूल में हमको जाने की जरूरत है। आओ अगर सैनिक स्कूल है इस वन, सब ये बोलते हैं कि उसमें जो है यूपीएससी तक हमको कम्प्लीट टेस्ट करवाया जाएगा, कम्प्लीट जो है मैंने करवाया जाएगा यूपीएससी। उम्मीद है कि इतना जो भी आए हैं तुमको एडमिशन करवा देंगे।
उम्मीद तो है ही, उम्मीद हम रखे हैं। आप देखिए बहुत लोग बोल रहे हैं, कौन कौन बोल रहे हैं, जैसे गुरु रहमान सर बोले हैं अपना बेटा बना लिए, और एस के झा सर बोले, उस प्रकार से बहुत सा है, अब उतना याद नहीं है, लेकिन जब हम अच्छी में जाते हैं सर फर्स्ट दिन बोले थे, उसके बाद आए उसके बाद कॉल किए थे। कल तो आए थे, कल आए पता नहीं है, लेकिन बोले ले जाए बच्चा छोटा डेट याद नहीं रहता। जैसे आप लोग एक काम करिए ना, जब हम बोल रहे हैं ना तो बोलिए, हाँ बोलिए ना, जब बोल रहा है तो बाद आप सवाल पूछिए। देखिए बस सबसे पहले वो बोले, उसके बाद गुरु रहमान सर बोले, उसके बाद और सब मैंने बोले हैं कि अगर सरकार नहीं मदद करते तो हम मदद, जैसे विपक्षी पार्टी का है जो विपक्ष है श्री तेजस्वी यादव, वो भी बोले तो उसी प्रकार से। आप अभी हमको सरकार पर डिपेंड होना, जो कि अभी वर्तमान में सरकार चल रही है, उन पर हम पहले डिपेंड हो जाते हैं, उसके बाद में हम करते हैं। अच्छा इतने सारे लोग आए, क्या अभी तक में कोई मदद मिला है? मदद जैसे मदद कॉपी का मिला, बोर्ड का मिला, मैंने उसी प्रकार से बहुत चीज हुआ है। हमको जो बात तुम्हारा अच्छा लगा, हम तुमको स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए आया है, जौन से स्कूल कहोगे प्राइवेट, क्योंकि अभी तुम्हारा जो बेस है सुनो ना, उसके बाद सैनिक स्कूल तुम जाना, वो मुख्यमंत्री जी कर सकते हैं या प्रधान। जो आनंद स्टडी ऑनलाइन की तरफ से हम और हमारे मित्र ने उसके पास रखा है कि बॉन्ड पेपर जो कि एग्रीमेंट पेपर होता है उस पे साइन करके, यानी कि जिस भी तरह से बच्चा पढ़ना चाहता है, जितना दिन रहना चाहता है, जिस भी स्कूल में पढ़ना चाहता है, उस बॉन्ड पेपर के तहत वो रख सकता है। अभी तक किसी ने भी ऐसा काम नहीं किया था, और आनंद स्टडी ऑनलाइन की तरफ से ये काम किया गया जो कि हमारे मित्र सोनू के द्वारा बताया भी जा रहा है काफी अच्छे से, और लोग समझ भी चुके हैं, उनके परिवार वाले भी समझ चुके हैं, लेकिन अभी भी उनमें डाउट है कि थोड़ा सा हम लोग सरकार का आशा देख लेते हैं कि सरकार किस लेवल तक हम लोग का मदद कर पाता है, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। तुम्हारा एक बात हमको बहुत अच्छा लगा, एक बात अच्छा लगी, हम उसी के साथ जाएंगे जो एग्रीमेंट करेगा कि हमको अंत तक पढ़ाएगा और आईएएस क्वालिफाई करेगा कराएगा, लेकिन अभी तक हमको ऐसा कोई नहीं मिला जो हमारे हिसाब से, बहुत सारे सर आ रहे हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को करना ही कोई छोटी सी बात। मेरा इच्छा है कि अगर तुम्हारे मम्मी पापा और तुम चाहो, हमें ये भी बोला था, तुम बोले थे जो तो हम एग्रीमेंट का पेपर लेके आए हैं जिसमें तुम्हारी मम्मी, तुम्हारे चाचा जी, तुम्हारे पिताजी जो हैं वो उसमें एग्रीमेंट कर सकते हैं, समझे कि हमको इस स्कूल में पढ़ना है, ये CBSE स्कूल में। मेरा जो अभी तक अच्छा स्कूल जना रहा है वो माउंट लिटेरा जी स्कूल है जो तुम्हारे बगल में है, हॉस्टल फैसिलिटी मिल जाएगा जिससे तुम घर में, बाहर में है, बगल में, बाहर में है, पटना में है, नालंदा में है, दिखा दो, बाहर में है, नालंदा में है, पटना में है, और अगल बगल है। जब तुमको छुट्टी मिलेगा स्कूल से तो परम में तुम घर भी आ सकते हो अगर तुम्हारे तुम्हारा मन है तो, और हम ये भी कहेंगे कि तुम तब तक देख लो माननीय मुख्यमंत्री जी को, अगर वो भरोसा देते हैं एडमिशन हो जाए। हम ये नहीं चाहेंगे कि अकेले में करा कर ले जाएंगे, गांव के समाज के 10 लोग रहेंगे, हवाबाजी हवाबाजी हम करना नहीं चाहते, हवाबाजी खुदा ने कि बोल दिए कि ये नहीं बोल के बहुत लोग जा रहे हैं, काम के अभी चाहते तो अभी करिए, तो हम वेट करने के लिए तैयार हैं। जरा सा सुन, लड़का खुद ब खुद समझदार हो चुका है, इस लेवल तक सोच सकता है। बिहार सरकार जो है माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी जो है, हाँ उनका आशा देखिए, हम चाहेंगे उनका पहले देख लेते हैं, अगर वो एडमिशन करवाते करवा देते और हम अपना कार्ड और नंबर दे देते हैं तुमको, तुम बात करना और कहना तुम्हारे लिए एक रूम रहने का, खाने का व्यवस्था, अगर हॉस्टल में चाहोगे तो हॉस्टल की फैसिलिटी, सारा मुद्दा करेंगे, और तुम्हारा मम्मी से जरा मिलना चाहते हैं, और लेट नहीं आशीर्वाद लेना, आज तुम्हारा कल से तुम्हारा स्कूल जाएगा, कल से जाओगे, ये नहीं कि दिन भर तुम राजनीति जो कर रहा है ये तुम्हारा लिए बेहतर भविष्य नहीं है। मुख्यमंत्री जी तुम्हें आज्ञा ना दे तब तक तुम मेरे पास नहीं हो, जिस दिन लग जाएगा कि मुख्यमंत्री जी अभी तक नहीं आए हैं तो तुम मेरे नंबर पे फोन करके बुला सकते हो, कर दो जी, समझ के जरा मम्मी से मिलना चाहते हैं, अगर मम्मी से अभी तो है नहीं क्योंकि आधार कार्ड बनाने का, आधार कार्ड कोई दिक्कत नहीं है बाबू, तुम बढ़ो
विकास करो, हम यही चाहेंगे। एक बात आप लोग को हम बताना चाहते हैं कि जब हम वहाँ पे ग्राउंड लेवल पर जब सूचनाएं लेना शुरू किए तो बाकी सारे लोग अभी परेशान चल रहे हैं, इसलिए क्योंकि सबके द्वारा सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। बिहार सरकार हो, कोई भी सरकार हो, पक्ष हो विपक्ष हो, सबके द्वारा सिर्फ आश्वासन सोनू को दिया जा रहा है, लेकिन किसी भी सरकार ने गारंटी नहीं लिया है कि हाँ इसका हम सैनिक स्कूल में हो गया, नवोदय में हो गया, चाहे कहीं भी आईएएस बनाने का हम इसका सपना 100% पूरा करेंगे, ये एग्रीमेंट या कहीं भी कोई ऐसा चीज हुआ नहीं है। ठीक है, इसके कारण सोनू भी परेशान है, उनके गार्जियन भी परेशान है, और सब लोग से हम यही सुन रहे हैं कि बाकी सब आ रहा है, सब बोल रहा है कि सब कर देंगे, लेकिन हो अभी तक कुछ नहीं रहा। सोनू का 4-5 दिन से पढ़ाई भी डिस्टर्ब है, 5 दिन से वो कुछ अच्छा से ना खा पी पा रहा है, वो टेंशन में है थोड़ा सा। बाकी घर परिवार में भी इतने ज्यादा लोग जो आ जा रहे हैं उसके कारण घर परिवार में भी टेंशन बनी हुई है। काम अभी तक कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है इसको लेकर के। और दोस्तों हम लोग लौटते समय सोनू से ही बात किए, उनके परिवार को भी ये भरोसा दिलाया कि आपको अगर थोड़ा सा भी डाउट होता है सरकार पे कि वो आपका हेल्प नहीं कर रही है तो आनंद स्टडी ऑन इनका हेल्पलाइन नंबर आपके लिए हमेशा खुला हुआ है। बच्चा जहां पर भी पढ़ना चाहता है, जिस भी स्कूल में पढ़ना चाहता है, मैट्रिक तक या उससे आगे का पढ़ाई करना चाहता है, हम लोग जरूर उसका हेल्प करेंगे। और जब भी आपको ऐसा लगता है हेल्पलाइन नंबर आपको दिया गया है, आप उस पर कॉल करके हमें कभी भी आप बुला सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको अगला वीडियो मिलेगा, आप लोग के साथ हम फिर मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, और इस वीडियो को थोड़ा शेयर वगैरह कर दीजिएगा दोस्तों में ताकि सबके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। लाइक वगैरह तो आप कर ही दिए होंगे। मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।